अभी मैं हूँ अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास और आज मैं जाने वाली हूँ वाराणसी। हमने लक्ष्मी हॉलीडेज की टिकट्स बुक की है बस की, उसमें स्लीपिंग की भी है एंड टेंट वाली जो आती है सीट्स वो भी है, हमने स्लीपिंग वाली बुक की है। और बिकॉज हमने सेम डे आज ही बुक की तो वो हमें काफी चीप भी पड़ी, हमें 750 का वन सीट पड़ा। और अगर फेस्टिवल नहीं है और वीकेंड भी नहीं है तो आप सेम डे बुक करें तो आपको चीप टिकट्स पड़ेंगी। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ आगे बस। अभी हम आ गए हैं पुल के ऊपर क्योंकि बस वाले भैया ने कहा था कि बस थोड़ा पुल के बीच में से मिलेगी। और ये आ गई है हमारी बस। अभी जस्ट हम अपना सामान लोड करवाते हैं और उसके बाद अंदर जाके दिखाते हैं आपको बस का इंटीरियर और अपनी सीट। सो कुछ ऐसा है बस का इंटीरियर। और ये बस 7 बजे आई है जबकि इसका टाइमिंग 6:30 बजे का था। सो ऊपर स्लीपिंग कैबिन से और नीचे बैठने की सीट्स हैं। ये हमारी सीट, ये कंबल, हाँ क्लीन नहीं है ना उतनी। ये है हमारी बस। वो आगे मेन ड्राइविंग एरिया है और ये बैक साइड में है वॉशरूम। आई थिंक यहाँ पर USB पोर्ट है। यहाँ पे लाइट्स कहाँ से डलती हैं? आई थिंक ड्राइविंग सीट से जलती है। ये दो कंबल हैं जो इतने ज़्यादा क्लीन नहीं है, इसलिए वी हैव आवर ओन बेडशीट। यहाँ पर पिलो टाइप दिए हुआ है हल्का सा। और अभी मैं आ गई हूँ मेन ड्राइविंग एरिया में। बस अभी चल रही है यमुना एक्सप्रेस वे पर और सुबह को 9 बजे के आसपास 8:30-9 बजे बस पहुँचेगी वाराणसी। सो गुड नाइट एंड सी यू इन द मॉर्निंग। एंड वेलकम इन वाराणसी। सबसे पहले हमने अपनी कैब बुक की और हम पहुंच चुके हैं होटल। यहाँ आने के लिए थोड़ा सा पार्किंग इशू हमें फेस हुआ कि अगर आपके पास अपनी कार है और आप कार से आ रहे हैं तो इस होटल में आने में आपको दिक्कत फील होगी क्योंकि ये रोड से अप्रोक्स 100 मीटर अंदर गली में है और थोड़ा सा आपको कार दूर पार्क करनी पड़ेगी। वैसे यहाँ पर डॉर्मेंट्रीज भी अवेलेबल हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वाराणसी। हम पहुंच चुके हैं वाराणसी। अभी जस्ट 9 बजे का टाइम है और हमने अपने होटल में चेक इन किया है। बस ने हमें यहाँ से 6 किलोमीटर पीछे एक पेट्रोल पंप पे उतारा था, फिर वहाँ से हम अभी जस्ट होटल पहुँचे हैं और बस अभी जस्ट हम और रेडी होते हैं, उसके बाद चलते हैं घूमने। और आके मैं आपको डिटेल में अपना रूम और होटल भी दिखाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड और फिर आगे बताती हूँ कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। और ये है हमारा रूम। होटल का नाम है काशीवंदम होम स्टे और मैं इसके रूम के प्राइस आपको मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर। यहाँ पर थोड़ा सा बस पार्किंग इशू है। वॉशरूम स्लीपर्स भी दिए हुए हैं। ऑनलाइन ये एक होम स्टे के नाम से मेंशन है बट ये एक होटल है। देयर इज अ विंडो आल्सो बट यहाँ पर इस विंडो में कोई व्यू नहीं है, बस बंद है। वैसे रूम में काफ़ी सफाई है और ये होटल बिल्कुल न्यू बना है, जस्ट अभी कुछ वीक्स पहले ये स्टार्ट हुआ है। सो अभी यहाँ पर टीवी तो अवेलेबल नहीं है। अभी हम हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं सबसे पहले काल भैरव टेम्पल, या जो यहाँ से अभी हमें आधा घंटे की डिस्टेंस पर पड़ेगा। हमें आधा घंटे पैदल चलना है, उसके बाद हम पहुँचेंगे काल भैरव टेम्पल। और हम भी वाराणसी फर्स्ट टाइम ही आए हैं और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होटल जो हमने बुक किया है कि मोस्टली घूमने की जगह इसके पास पास ही हैं। हम पहुंच चुके हैं गोडोलिया मार्केट। हमारे होटल से ना ये जगह बस 300-400 मीटर है। अभी यहाँ से हमें 1.5 किलोमीटर और जाना है पैदल काल भैरव टेम्पल के लिए। और यहाँ से गोडोलिया मार्केट स्टार्ट होता है। यहीं तक मोस्टली ऑटो रिक्शा वगैरह अलाउड हैं, इससे आगे पैदल ही चलना होता है। यहाँ पर से काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने का रास्ता है बट हम जा रहे हैं पहले इस साइड। इधर है काल भैरव टेम्पल का रास्ता। गोडोलिया मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होती है बनारस की फेमस सिल्क साड़ीज, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, होम डेकोर एंड रिलीजियस जो मूर्ति वगैरह आती हैं वो सब। और कहा जाता है ये 17th century का मार्केट है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फूड्स की शॉप्स भी मिलेंगी, जो यहाँ के कुछ फेमस फूड शॉप्स हैं वो भी सब गोडोलिया मार्केट में ही अवेलेबल हैं। अभी हमें पता नहीं कौन सी गली में मुड़ना पड़ गया उधर से। वो काल भैरव के लिए भी कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं कर रहे थे बिकॉज वहाँ काशी विश्वनाथ टेम्पल का रास्ता था। तो अभी हमें एक
यहाँ से शॉर्टकट देखते हैं कितना लंबा पड़ता है, बट वहाँ से तो वो कैमरा ले जाने नहीं दे रहे इवन काल भैरव टेम्पल के लिए भी। और ये है असली बनारस। जी हाँ, बनारस फेमस है अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी गलियों के लिए, और ये ही वो गलियां हैं जो काफ़ी छोटी छोटी गलियां हैं और बहुत पुराना बसा हुआ ये शहर है। यहाँ पर दीवार पर काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स हैं। थोड़ा सा मार्केट से आगे निकलने के बाद जो ये एरिया है ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ लोग रहते भी हैं, और यहीं पास में काल भैरव टेम्पल भी है। यहाँ से है ये पतली सी गली काल भैरव टेम्पल की वाले काल भैरव टेम्पल, फिर देखते हैं कि अंदर कैमरा अलाउड है या नहीं। तो हमने जूते वगैरह यही उतार दिए हैं, अभी हम प्रसाद ले रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। काल भैरव टेम्पल काशी के पुरातन मंदिरों में से एक माना जाता है, और कहा जाता है कि भगवान शिव ने बाबा काल भैरव को काशी और काशी के लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। और साथ ही बाबा काल भैरव हम इंसानों के बीच में जो अंदर बुराइयां होती हैं जैसे कि अहंकार लालच, उनको भी दूर करने में मदद करते हैं। इसीलिए सभी टूरिस्ट और काशी के लोग बाबा काल भैरव के दर्शन करने ज़रूर आते हैं। सो हम आ गए दर्शन करके बाहर, और हमें 30 मिनट लगे अप्रॉक्स पूरा मंदिर में दर्शन करके बाहर आने तक, और वैसे काफ़ी भीड़ थी बट ठीक ठाक दर्शन हो गए और अच्छे से, मतलब हमने मूर्ति वगैरह सब देख ली। और वहाँ पर जो है अभी मंदिर 10 मिनट में बंद होने वाला है, 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है, सो आप उससे पहले यहाँ पर आकर दर्शन कर लें तो अच्छा है। और 150 रुपीज़ का हमें यहाँ पर प्रसाद मिला जो हमने लिया। तो अभी हम इन पतली पतली गलियों से निकल कर जाने वाले हैं पंचगंगा घाट जो यहीं पास में है। यहाँ पर जो वॉल्स हैं उन पर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई है। काल भैरव मंदिर के पास की जो गलियां हैं उन्हीं में ये प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं जिन्हें आपने और भी वीडियोस में देखा होगा। मैंने भी काफ़ी वीडियोस में देखा था और मैं तब से ढूंढ रही थी कि ये कहां पर मिलेंगी। घाट तो सामने दिख रहा है, क्यूट सा टाइगर। यहाँ पर पास में ही है सब घाट जितने भी हैं, और घाट वाले रास्तों पर भी ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं। सच में जिसने भी बनाई है बहुत ही खूबसूरत हैं। अभी हम आए हैं ब्रह्मा घाट पर, अभी यहाँ से आगे है पंचगंगा घाट जो मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगी, और ये मेरे पीछे है ब्रह्मा घाट और ये है गंगा जी। काफ़ी ज़्यादा धूप है सो मैं बता दूँ तो यहाँ बहुत गर्मी फील हो रही है। मैं यहाँ पर दो दो जर्सी पहन के आई थी, इनर हाई नेक और जर्सी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जबकि आज Feb 2nd है तब भी यहाँ पर उतनी ठंड नहीं है। वाराणसी में टोटल 84 घाट्स हैं, और यहाँ के हर घाट की एक अलग ही कहानी है। उसी तरह पुराणों में लिखा गया है ब्रह्मा घाट के बारे में कि ब्रह्मा जी को शिव जी ने बनारस रहने के लिए भेजा था, तब ब्रह्मा जी ने इस घाट को अपना घर बनाया था, मीन्स वो यहीं पर रहा करते थे, और यहाँ पास में उनकी एक पुरानी प्रतिमा भी है। ये है पंचगंगा घाट जो कि ब्रह्मा घाट से ही कनेक्टेड है और वाराणसी के 84 घाटों में से 2nd मोस्ट फेमस घाट है। यहाँ पर पांचों नदियाँ गंगा सरस्वती यमुना किरण व दूधपापा गुप्त रूप से मिलती हैं, और पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि यहीं पर संत कबीरदास जी ने गुरु रामानंद से दीक्षा ली थी। तो अभी मैंने आपको दिखाया है ब्रह्मा घाट और पंचगंगा घाट। अभी हम दोपहर हो चुकी है तो कोई ज़्यादा अच्छे शॉट्स भी नहीं आ पा रहे हैं, और इस टाइम पे सारे मंदिर भी बंद हैं, इसलिए हम अभी कुछ खा लेते हैं, फिर शाम को निकलेंगे हम घूमने के लिए, तब बाकी के मंदिर और घाट वगैरह हम आपको दिखाएंगे।